ये कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या एक मुस्लिम व्यक्ति ने कर दी। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी शेयर करने वाले अकाउंट हम लोग वी द पीपल ने भी इसी दावे के साथ ये तस्वीरें और एक वीडियो रिपोर्ट ट्वीट किया था। हालांकि ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। और भी कुछ यूजर्स ने ये तस्वीरें ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की थी। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में जांच की और पाया कि सोशल मीडिया पर चलाया गया कम्युनल एंगल गलत है। बांग्लादेश की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ने पर हमें पता चला कि विकास सरकार के भतीजे राजीव भौमिक को इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया है कि पुलिस के सामने कन्फेस करते हुए भौमिक ने बताया था कि उसके अंकल विकास चंद्र साहा ने उसके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए 20 लाख टाका दिया था। जब विकास ने अपने पैसे वापस मांगे तो उनके बीच टकरार हुई और 27 जनवरी की शाम में भौमिक अपने अंकल विकास के घर पर गया और वहां उसने विकास और उनके परिवार की हत्या कर दी। भौमिक ने हत्या के बाद अपने अंकल के घर को लॉक कर दिया और वहां से भाग गया। खबरों के अनुसार उसने खून के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार लोहे का रॉड तालाब में फेंक दिया और दरांती को अपने पास रखा। यानी असल में बांग्लादेश में पैसे के विवाद के चलते भतीजे ने ही अपने चाचा और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। इस घटना को भारतीय सोशल मीडिया पर झूठा सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया गया।